भाई राम राम पहुँचे। आज हम आपके सामने बुंदेली व्यंजन बनावे जा रहे हैं, मामे बरा मंगोड़ा और सौंठ। इनके बिना ना तो कोई शादी हो, ना ब्याह हो और ना कोई त्यौहार हो, तो ये पहले बना फिर खबर। तो आप बनावे जा रहे हैं, देखो आप सबसे पहले कि दाल आ रहे हैं, जाए रात भर भिगो के रख दे, फिर वह अच्छी तरह से धो के और ऐसे पीस लेते हैं। ये है कि मूँग की दाल, तो मूँग की दाल को भी रात भर भिगो दो, फिर वह पीस लो, सुबह पीस के ऐसी हो जाएगी। इनमें सब सामान डरवे के लाने हैं, जैसे क्या कहते हैं, ये है जीरा, काला नमक, काली मिर्च, सौंफ खड़ी, जीरो खड़ो और मिर्चा लाल वाली, जो है वो क्या कहते हैं तुम्हारे मेथी दाना, सादा नमक, हरी मिर्चा और ये खड़ी धनिया, हींग और दही बरन के लाने। मठा बना लो आपको सुबह है वो, अब इनको बनाए हम आपको बताएँ। सबसे पहले बरा बनाते हैं, सो बरा के लाने उड़द की दाल लेके वहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दें स्वाद के अनुसार, जैसा जो खात, कोई लोग कम खात, कोई ज़्यादा खात, जैसा खाँस वैसे डाल लें। उसके बाद खूब अच्छी तरह जैसे फेंक सको, एक बिलिया ले गए, बाकी बिलिया के ऊपर जो कपड़ा ऐसे बांध के नेक उड़ा लो, इस पकड़ के टाइट करके लो, तो हमें नेक पानी लगा के और ऐसे बना रहा है। इन्हें थोड़ा भूरे भूरे हो गए तक तल लो धीमी धीमी आँच पे। ये सूखे भी खाए जात और मठा में डाल लो, सब मठा के भी खाए जात, मठा के ज़्यादा खाए जात, एक आध दिना फूल जा सोते हुए इनको स्वाद अच्छा लगने लगा। मैं बने मठा में डाल के एक दिना बाद खाओ तो बाको स्वाद ही अलग हो। जहाँ भुंजो जीरो, काली मिर्च, लाल मिर्च और नेक्स नॉन कारो नॉन डाल जाओ, जहाँ मेरे आपको स्वाद अच्छा आता है वो उसे डाल के, जहाँ में थोड़ा जीरा और हींग तक बरा सिख रहे हैं हमारे, जब तक मंगोड़ा की तैयारी कर लें। मंगोड़ा के लाने जो पिसी दाल ले ली, जहाँ मैंने नॉन डालेंगे स्वाद के अनुसार, हरी मिर्चा, ये खड़ी धनिया भी डाला, खड़ी धनिया का बड़ा अच्छा स्वाद आता है, तो उन्हें खड़ी धनिया डाला था, थोड़ी सी लाल मिर्चा डाले, जैसे कोई तीखो ज़्यादा खा तो ज़्यादा डाल लें तो कम डाल दें, सौंफ जरूर डाला, बड़े सौंफ को बड़ा खड़ी सौंफ को बड़ा अच्छा स्वाद आ, सो नेक खड़ी सौंप डाला थेंगे और जो हरी धनिया डाल देते हैं ज़्यादा सी, बड़ी अच्छी लग जा सके, थोड़ी काली मिर्च डाल दो, थोड़ा सा भुंजा जीरा सब डाल के अच्छी तरह मिला लो। वह मठा तैयार होगा बढ़िया, नेक वो आग लगा के छौंका लगाओ तो बड़ो अच्छो खुशबू आता है, उसकी धुआं की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। हमें कछू बरा हम दही में डाल रहे हैं अपनी गलवे के लाने, तो जो मंगोड़ा सिक रहे जब हम सौंठ की तैयारी कर लेते, थोड़ा सा शुद्ध घी डाल के, आजकल खूब इमली ज़रूरत नहीं है ना अमचूर की ज़रूरत है, आजकल खूब अच्छी हरी अमियाँ आ रही पकी, सो उनका पल्ब लो बढ़िया बनता है, उनका गूदा ले लो तो अच्छा से बना बढ़िया। वाह गूदा ले लो, मैं यहाँ मैं सौंफ डालो, थोड़ी सी मेथी पिसी, मेथी को बड़ा अच्छा स्वाद आता, थोड़ी डालो से भूजा तो अच्छा स्वाद आता है, और थोड़ी सी अब जो डाल दो ऊपर से जो गुड़ है सो गुड़ डाल दो, थोड़ी सी लाल मिर्चा, थोड़ा सा जीरा भुंजा, जीरो को भी बड़ा अच्छा स्वाद आता, काली मिर्चा, कारो नमक, कारो नॉन भी बड़ा अच्छा स्वाद दे डाल के, बस थोड़ा सा